हेलो, रमजान काका, यूसुफ बात कर रहा हूँ। कौन यूसुफ? हाजी इब्राहिम का भतीजा। यार तुम कहाँ गायब हो? बहुत अरसे बाद फोन किया। खैरियत तो है? वापस कब आ रहे हो? बस रमजान काका, रास्ते में हूँ। बेफिक्र हो जाओ, अभी इतला भिजवाता हूँ। खबरनामे जाओ, जमान खान के घर जाओ, उनको इतला दो क्या यूसुफ वापस आ रहा है। अभी फोन आया है, सीधे उसके घर जाना। अभी देखना सारे गांव में ये खबर कैसे फैल जाएगी। यूसुफ लाला का फोन आया है, वो आज वापस आ रहे हैं। मुबारक हो। यूसुफ आ रहे? मेरा इनाम। एक मिनट, ये लो। सारी मेहनत बर्बाद कर दी। जिसने भी इसका नाम खबरनामा रखा है ना, बिल्कुल ठीक रखा है। चलो छोड़ दो, हाथ दो मुझे। मैं जानवरों की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ। मेरा नाम खलील खान है और बच्चे मुझे शरारत से डंगर मामा कहते हैं। डंगर मामा, नाम तो बड़ा मुनासिब है। अच्छा, तुम भी? चलो ठीक है यार, तुम अच्छा आदमी है, जो तुम्हारा दिल करे बोलो। एक बात बताओ, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या काम करते हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अफगानिस्तान से आ रहा हूँ। मैं बदख्शां का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब लोग वहाँ पर ही। यहाँ पाकिस्तान में मेरे एक चचा रहते हैं, हाजी इब्राहिम। हाजी इब्राहिम केलानूर वाले? हाँ, केलानूर वाले। अच्छा, तुम केलानूर का रहने वाला है? हम भी केलानूर का रहने वाला है, फिर तो हम किलीवाल हैं। मैंने अपनी तालीम यहीं पर हासिल की। चचा इब्राहिम ने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया। बहुत एहसानात हैं उनके। हाजी इब्राहिम जितने अच्छे इंसान हैं, उनका बेटा उतना ही जालिम। ज़ाहिर खान? ज़ाहिर खान की बात कर रहे हो शायद, जानते हो ना उसे? जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ऐसे लोग अच्छे लोगों के सब्र का इम्तिहान होते हैं। हाजी इब्राहिम अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते थे। फिर तुमने ज़ाहिर खान की वजह से इनकार किया होगा? नहीं, मुझे कोई और लड़की पसंद थी, मेरी खाला की बेटी नाजो। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, बहादुर, दलेर और खूबसूरत। जब मैंने उसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो आम लड़कियों की तरह शर्मा कर भागी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के एहसास ने उसे परेशान कर दिया। यूसुफ, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। उम्र भर की जिम्मेदारी वफादारी निभाने का वादा होता है शादी। मैं वफादार रहूँगा, जिम्मेदार रहूँगा। और हाजी इब्राहिम की बेटी आसिया, उसका क्या होगा? दौलतमंद बाप की बेटी है, पैसे वालों के लिए रिश्तों की क्या कमी। लेकिन यूसुफ, वो तुम्हें चाहती है, पसंद करती है तुम्हें। मगर वो ये भी चाहती है कि मैं यहीं पाकिस्तान में रुक जाऊं, कारोबार में अपने चचा की मदद करूं, उसी घर में रहूं। मोहब्बत तो किसी कैद का नाम नहीं, और ना ही मोहब्बत जिस्म की कैदें बर्दाश्त करती है। ये तो रूह में उतरती है और सदियों का आज़ाद सफ़र करती है, एक आज़ाद सफ़र। यूसुफ, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। सच जैसे भी बोला जाए, अच्छा ही लगता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये एक सच है।
السلام علیکم. یا کیوں آئے ہو تم؟ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں زہر خانہ بابا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. زہر خانہ بابا، اسے بلا. اوریسا باہر جا. بابا میں باہر جا. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. باہر بودا. جاؤ اوپر پہاڑ والے گھر میں جاؤ، ادھر بی بی کو لے جا. جاؤ پکڑ، چلو جاؤ جاؤ ادھر جاؤ. جو بھی ہے یہی کچھ ہے، قبول کرو. بہت اچھا ہے. ہماری شادی کو 9 سال گزر چکے ہیں. اب میرا ایک بیٹا بھی ہے، اسماعیل ہے نام اس کا. ماشاءاللہ. نازو اور میں آج بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. ایک مشورہ دوں، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر حاجی ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. معاملے کو رفع دفع کرو تو اچھا ہے. تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ ظاہر خان اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی دشمنی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تم اگر چاہو تو کچھ عرصے کے لیے میرا یہ پستول اپنے پاس رکھو، جب جانے لگو تو مجھے واپس کر دینا. نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. میں نے کبھی ہتھیار نہیں رکھا اور نہ ہی میں ان چیزوں کا قائل. تم سے مل کر بہت اچھا لگا، اچھے آدمی لگتے ہو. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ڈنگر ماما سے مل کر. ملتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ تمہارے بیٹے کی عمر 8-9 سال تو ہوگی شاید. میں اس کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا؟ یہ بکری کا بچہ. لیکن یہ میں ایسے نہیں لوں گا. نہ اللہ کے پیسے لوں، تحفہ ہے.
अच्छा फिर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ये लाले बदख्शा हैं और जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको पहना देना। ये तो बहुत कीमती होगा शायद। तोहफे की असल कीमत तो तोहफा देने वाले का वो खुलूस होता है जो उसके दिल में मौजूद होता है। और फिर इसी को